तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। देख तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। रहे एक स्वामी बस तुम ही स्वच्छंद विहार। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। रहे एक स्वामी बस तुम ही करो सदा स्वच्छंद विहार। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जा। विसर्जित सब संसार। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। मेरे भाई बहन, भक्ति मार्ग की सबसे उत्कृष्ट स्थिति, सबसे सुगंधित स्थिति है ये। एक अपने प्रियतम के साथ अपने सारे व्यवहार समर्पित कर देना। ये भाव हमको रावल जी में नजर आता है। ना कोई बेटे का व्यवहार, ना कोई बेटी का व्यवहार, ना कोई समधी का व्यवहार, ना कोई रिश्तेदार का व्यवहार। व्यवहार तो सिर्फ एक बद्रीनाथ भगवान के साथ, जिनके दिन का एक एक क्षण बद्रीनाथ भगवान की सेवा और उनके सुख का विचार करने में जाता है। ऐसी भक्ति होना मेरे भाई बहन। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ भाई बहन, जीवन की एक एक चेष्टा सिर्फ अपने ठाकुर जी के। सुबह उठ के कपड़ा पहनते हैं तो जगत की पसंद का पहनते हैं। कैसा पहने कि सबको अच्छा लगे, कैसा पहने कि इनको अच्छा लगे, शादी में जाना कैसा पहने कि उनको अच्छा लगे वैसा लगे। और आदरणीय रावल जी सुबह उठते कौन सा वस्त्र पहनते हैं? जो वस्त्र पहनने पर बद्रीनाथ जी को अच्छा लगे, जो वस्त्र सेवा के लिए योग्य है वो पहने। और हम लोग क्या कैसा वस्त्र पहनते? जो सबको अच्छा लगे वो। कोई बात नहीं, अभी वो स्थिति अपनी नहीं है, लेकिन अपने को उस स्थिति में आना है। ये लक्ष्य बनाइए, ये सोचिए, ये तय करके जाइए कि हमको भी धीरे धीरे अपने जीवन में उस स्थिति में आना है। हर एक चीज हमारी उनके लिए होगी, बस हर एक चीज उनके लिए। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। सारा संसार विसर्जित हुआ मतलब अपने जीवन की एक एक चेष्टा उनके लिए हो गई। अब कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है। जो इनको अच्छा लगे वही जपना है, इनको जो अच्छा लगे वही अपनी रुचि है, वही अपना धर्म है, वही अपना कर्म है। इनके सिवाय और कोई व्यवहार नहीं। ऐसी स्थिति जीवन में लानी है, तय करिए। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब।
रहे एक स्वामी बस तुम ही रहे। हम लोगों ने कितने लोगों को अपना स्वामित्व दे रखा है। अरे मेरे भाई बहन माफ करिएगा, जिनको हमने अपना कर्मचारी बना रखा है वे भी किसी किसी मामले में हमारे स्वामी हैं। कैसे हैं कि हम बहुत सारे काम उनकी रुचि को ध्यान में लेके कर रहे हैं तो मालिक वो हो गए ना। जिनकी रुचि को सोचकर हमें कुछ करना पड़ रहा है मालिक तो वो हुए ना भाई। मैं आपकी रुचि को सोच के कुछ करूं तो मालिक मेरे तुम हुए ना। मेरी रुचि को तुम ग्रहण कर रहे हो तो तुम तो मैं मालिक हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दिन रात जगत की रुचि को सोच सोच के जिंदगी जी रहे हैं। ये सब रुचियां उल्टी पुल्टी उन लोगों की है लेकिन हम उसमें ज्वाइन हो रहे हैं, हम वो सब कर रहे हैं। तो मालिक तो जगत हो गया है। जगत की मलकियत में रहेंगे कि परमात्मा की मलकियत में रहेंगे? उनका दास होके जीना है कि जगत का दास होके जीना है, ये सोचना पड़ेगा ना अपने को, खुद को बदलना पड़ेगा। धीरे धीरे लाइन पे आओ भाई, धीरे धीरे ट्रैक पे आओ, धीरे धीरे इस स्थिति में आना है, तभी असली भक्त हो पाएंगे भाई। नहीं तो ये कब तक चलाएंगे हम लोग ऐसे। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। स्वामी बस तुम ही करो सदा स्वच्छंद विहार। रहे एक स्वामी बस तुम ही करो सदा स्वच्छंद विहार। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता मान, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वदा, जब जैसे जी चाहे बताएं आपको इस बद्रीनाथ धाम के विषय में। मेरे भाई बहन सुनिएगा, कृपानाथ अपने देश में कुंभ लगा करते हैं। कुंभ का जो महत्व है उससे भी अनंत गुना महत्व इस धाम का है। कैसे है जी? वो ऐसे है जी कि कुंभ में ऐसा सुनते हैं कि गरुड़ जी अमृत का घड़ा ले जा रहे थे तो उस अमृत के घड़े में से कुछ बूंदे चार जगह गिरी, वहां पर कुछ सालों के अंतराल में पुण्य काल प्रकट होता है, तब नहाते हैं तो आनंद होता है। लेकिन मेरे भाई बहन श्री शंकर भगवान बता रहे हैं, कृपानाथ जो दुर्जन है, देखो इतने दिन तो शिव जी ने मीठी मीठी बातें कही, अब थोड़ा सा वो भी कह रहे हैं कि जो दुर्जन है
अथवा दुर्जनों का संग करने वाले, जो या तो खुद गड़बड़ है या जिनकी संगति गड़बड़ है वो, और जिनके अंदर क्षमा गुण नहीं है, किसी को माफ करने का जिनका स्वभाव नहीं है, अड़े रहना ही स्वभाव नहीं, कर दिया तो क्यों कर दिया, नहीं, जिनमें क्षमा करने का गुण नहीं, जिनमें सारल्य नहीं, जो सरल नहीं है, सरल नहीं, सरलता और सहजता तो मेरे भाई बहन जगत में सबसे बड़ा सुख है, सच पूछो तो। कोई कहे कि आप बहुत सरल हैं, आप बहुत सहज हैं, तो भैया सरल और सहज हम अपने मतलब से हैं, क्यों, क्योंकि उससे हम सुखी हैं। सरल नहीं रहेंगे, जो सरल नहीं है, सहज नहीं, वो सुखी भी नहीं है। आपको लगता होगा कि वो बहुत सुखी है, पर वो सुखी नहीं है। प्रोटोकॉल वाले सब दुखी हैं, सब दुखी बेचारे, क्यों, वो प्रोटोकॉल जो है वो देखने में तो लगता है कि दो आदमी आगे चलते हैं, दो आदमी पीछे चलते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन वहां प्रोटोकॉल में जिंदगी बन जाती है, जिंदगी बन जाती है। करुणा निधान, सच पूछो, वो अपन टिकट लेते हैं ना दर्शन के, तो ठीक है, भगवान को देखने की लालसा है इसलिए वो लेते हैं, बाकी उसमें भी सरलता सहजता तो चली जाती है उस टिकट के हाथ में आते हैं। और वहां उस वो रेलिंग पे लटक लटक के जो दर्शन होते हैं उसमें जो सहजता है, उसमें जो सरलता है और उसमें जो मौज है, वो तो नहीं हो सकती। ये तो बस जो टिकट विगट है, ये तो बस एक उनको देखने की, जी भर देखने की तमन्ना में कि चलो भाई, एक साधारण चीज रख करके असाधारण मिल रही है तो सौदा बुरा नहीं। वाह, ब्रह्म कमल लाए हैं महाराज, धन्यवाद महाराज जी। तो करुणा निधान, सहजता और सरलता जगत में बहुत बड़ा सुख है। हमारे पास में बहुत सारी कीमती कीमती चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी सहजता सरलता नहीं है तो वो दुखी तो हुआ एक तरह का। अब देखो, आप एकदम बढ़िया बेश कीमती साड़ी किसी ने पहनी हो, कोई बहुत महंगा, कोई 50-60-100 लाख रुपया का सूट किसी ने पहना हो, फिर बताओ वो सहज रह पाएगा। अभी हम आते समय रास्ते में किसी भी पत्थर पर बैठ जाते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई बहन, कहने का मतलब यही है कि अपनी रहनी में ऐसे सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, बंधन नहीं हो, बंधे बंधे हम खुद को बंधा हुआ सब फील करें, वो चीज नहीं चाहिए जिंदगी। और सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख प्रोटोकॉल में नहीं है, सुख इन सब चीजों में नहीं है, सहजता सरलता में सुख है। तो शंकर भगवान कहते जो सरल है, कृपानाथ, तो जो लोग दुर्जन है, जिनकी संगति खराब है, जिनमें क्षमा गुण नहीं है, जो सरल नहीं है, जो जगत के खिलौने बने हुए हैं, उन लोगों को यहां भगवान का दर्शन नहीं होता, आते हैं फिर भी, और नहीं तो मेरे भाई बहन यहां ऋषि मुनि आते हैं, रोज आते हैं। और शंकर भगवान कहते हैं एकादशी तिथि के दिन तो भगवान भी यहाँ पर आते हैं इन तीर्थों में स्नान करने के लिए, आनंद लेने के लिए, अपने महात्माओं के साथ, अपने प्रिय पार्षदों के साथ,
मुनिगणों के साथ, ऋषिगणों के साथ, उनको प्रसन्नता देने के लिए। यूं तो नित्य विराजमान है, लेकिन एकादशी तिथि के दिन भगवान यहां पर आकर के अपने भक्तों को आनंद देते हैं। उस समय महाराज उसी के लिए यहां पर श्री बद्रीश पंचरत्न में लिखा है, यक्ष किन्नर करत कौतुक गान गंधर्व प्रकाशित श्री लक्ष्मी कमला चवरण श्री बद्रीनाथ विश्वंभर। जिस समय भगवान एकादशी के दिन यहाँ पर आते हैं, तब अप्सराएं, गंधर्व, वाद्य वाले सब लोग यहाँ आते हैं, और एकादशी के दिन यहाँ पर बड़ा भारी महोत्सव होता है भाई। भगवान की पूरी वैष्णव सृष्टि, पूरी संत सृष्टि, पूरी ऋषि मुनियों की सृष्टि यहाँ पर मौजूद होती है। याद होना चाहिए। हाँ, अगली कथा में उसी को बुलाया जाएगा जिसको ये बद्रीश पंचरत्न याद होगा। श्री बद्रीनाथ विश्वंभर, श्री बद्रीनाथ विश्वंभर। मध्याह्न काल में भगवान यहाँ पर अपने पार्षदों के साथ आते हैं, ऋषि मुनि साधु संतों के साथ आते हैं, गंधर्व आते हैं, अप्सराएं आती हैं, सब आकर के यहाँ पर भगवान के उस हरिवासर का उत्सव मनाते हैं। एकादशी को हरिवासर भी कहते हैं, हरिवार भी कहते हैं, जैसे रविवार होता है ना, शुक्रवार शनिवार, ऐसे एकादशी को हरिवासर, हरिवार भी कहते हैं। उस दिन यहाँ बड़ा भारी उत्सव हो जाता है, कृपानाथ, मधुर गीत श्रुति गोचर होते हैं, करुणा निधान। सोचिए, इस प्रकार बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि भी जिस स्थान पर आकर अपने आप को इतना आह्लादित मानते हैं, भगवान भी आते हैं जहां अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उसकी महिमा को कैसे कहा जाए। जब प्रारंभ किया था कथा कहना तो लगता था कि कह देंगे, लेकिन कहते कहते लग रहा है कि कैसे कहें, इसकी तो महिमा का कोई पार ही नहीं। मन में आता कहीं सुनते सुनते आप लोग ये न कहे कि भाई ये क्या है, ये करो तो कल्याण, यहाँ इतना कल्याण, सारा कल्याण जगत का यही भर दिया है, और कहीं छूटा है कि नहीं छूटा है, आप पता नहीं क्या सोचते होंगे। मैं तो, लेकिन मेरे भाई बहन, हमारे लिए तो शास्त्र प्रमाण है। जिन भगवान वेदव्यास जी की पवित्र गुफा में हम लोगों ने दर्शन किए, उनके ही लिखा हुआ ये ग्रंथ है जिसको मैं सहारा लेकर के आपको कथा सुना रहा हूं, हमारे लिए तो उनका भाव प्रमाण है। हमारा तो मन करता है कि अब कथा क्या करना, अब तो बस जब जाओ और भजन करो, यहां बैठ के अलकनंदा किनारे पर हो गई कथा। इतनी महिमा सुन ली आप लोगों ने, क्या इसका कोई पार ही नहीं, अभी तो और भरी पड़ी है भाई। कितनी सारी बातें, कितना सारा सार, कितना सारा कुछ भरा है। आहा, इस बद्रीनाथ धाम की अगर इतिहास की कथा कहना शुरू कर दें तो फिर ये भी दिन कम पड़ जाते हैं। भारतवर्ष के समस्त आचार्यों को जहां आकर के भगवद अनुभूति हुई, आचार्य तो पवित्र होते हैं, शरीर से तो कोई भी पवित्र हो सकता है, लेकिन जो आचरण से पवित्र उसको आचार्य कहते हैं। वो आचार्य भी एक आचार्य है, किसी परंपरा में, किसी परिपाटी में लग के वो भी आचार्य है,
कई बार कोई कथा सुनाते उनको भी लोग आचार्य कहते, भागवताचार्य, रामायणाचार्य, तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन असली आचार्य कौन है? जिनका आचरण शुद्ध हो, जिनका आचरण पवित्र हो, वो आचार्य है। ऐसे पवित्र आचरण वाले आचार्यों को यहां आते ही भगवत अनुभूति, उनको वक्त नहीं लगा। बुरा नहीं मानेगा, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई सोचते होंगे कि इतनी बातें बता रहे, हमको तो आज चार दिन हो गए, हमको तो कुछ लगा नहीं, हमको तो वही बस गंगा जी बह रही हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, तपत कुंड में नहा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, वाह महाराज ने कहा पूजा कर लो, कर दी, परकमा लगा, परकमा लगा दी, शिलाएं, शिलाओं पे भजन करो, शिलाएं सब ढूंढ ली, दो तीन मिल गई, एक दो पानी में है, तो अब क्या करें, जो कहा वो सब कर लिया, पर कुछ हुआ नहीं, कुछ लगा नहीं, क्या करें। ऐसे बहुत से लोग, मेरे भाई बहन देखो, हुआ मेरे को भी कोई ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई, हो होती तो मैं आपके साथ जरूर बांट लेता था, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन, अगर कसर है तो धाम में कसर नहीं, कसर है तो धाम में कसर नहीं, तीर्थ में कसर नहीं, अपने आचरण में कसर है। यदि अभी तक कोई आध्यात्मिक अनुभूति हमारी संपत्ति नहीं बनी है, तो इसका मतलब हम आचरण में कहीं चूक रहे हैं। बाकी तो मेरे भाई बहन बालापन से भक्ति करे और जग से रहे उदास, तो तीर्थ भी आशा करे, कब आवे हरिदास, तीर्थ भी आशा करे, कब आए हरिया। बालापन में भक्ति करे बालापन में भक्ति करे, जग से रहे उदास, आशा करे, कब आए हरिदास, तीर्थ भी आशा करे, कब आए हरिदास। जो भक्ति के लिए उम्र तय करके नहीं चलते, 60 की उम्र में भजेंगे, 60 की उम्र में भजन करेंगे, अब पूछो कि आपके पास में कोई प्रमाण है 60 तक रहेंगे, नहीं, वो तो कौन तो पचे फिर। तो जो भगवान की भक्ति करने के लिए आयु की प्रतीक्षा नहीं करते, या समझ में आते ही कि भगवान ही हमारे हैं और भगवान के ही कृपा से इस जगत से हमारा कल्याण होना है, ये बात समझ में आते ही जो भजन में लग जाए, बालापन में भक्ति, बालापन से भक्ति करे, बचपन से भक्ति में लग जाए। मेरे भाई बहन, भक्ति में लगने का मतलब अपने जीवन का बिगाड़ करना नहीं है। जगत के बहुत से लोगों ने ये मान रखा है कि जो भक्ति में लगा वो सबसे गया, जो भगवान में लग गया वो किसी काम का नहीं, अब वो किसी का कुछ काम नहीं आ सकता। और आप इतिहास देख लीजिए, जो भगवान में लगे वही सबके काम आए हैं महाराज, जगत में लगे वो लगे ही रह गए, वो खुद के आपरी रोटी अटे खीरा दे बोक रहे, किसी का भला नहीं कर सके। जो भगवान में लगे वो सबके काम आए, कोई इस बात को समझते ही नहीं। जो भगवान में लगे हैं बोले वो गयो, अब ये किसी काम के नहीं, अब ये किसी काम के नहीं, अब इनसे कुछ नहीं हो सकता, अब ना तो ये मायरा भर सकते हैं, ना ये ब्याह कर सकते हैं, ना ये व्यापार कर सकते हैं, ना ये बहन के यहां कोई काम कर सकते हैं, ना ये भाई के यहां कुछ काम कर सकते हैं, ना ये
दिवाली पे कुछ कर सकते, ना ही होली पे कुछ कर सकते। अरे राम राम राम, जबकि भगवान में जो लगे हैं वो हर प्रसंग को सुंदर से सुंदर कर सकते हैं, जो भगवान में लगे हैं वो। जगत के पास सिर्फ एक आडंबर है, सिर्फ एक अभिनय है और सिर्फ एक नकल है, सिर्फ एक भेड़चाल है जगत के पास, और भक्त के पास हमेशा नया है। भक्त के पास हर विषय पर, हर मौके पर हमेशा नया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं बालापन से भक्ति करें, और जिनकी शुरू से ही जगत में कोई रुचि न रही हो, शुरू से ही जिनकी जगत में कोई रुचि नहीं रही हो, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों के लिए तो तीर्थ भी आस करते कि कभी वो आवे, कभी वो आवे, कभी वो आवे। कब आएंगे, कब आएंगे? तो ऐसे आचार्य जब ऐसी पवित्र भूमियों पर आते हैं तो उनके आते ही तीर्थ अपने आप को उनके सामने तुरंत प्रकट कर देता है। इसलिए आपको पता है आचार्यों के पीछे पीछे सैकड़ों लोग तीर्थों में आते थे। शंकराचार्य महाराज चलते थे, हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। क्यों? क्योंकि इनके चरण पड़ते ही तीर्थ जीवंत हो जाएगा, इनके चरण पड़ते ही तीर्थ अपने पूरे स्वरूप के साथ होगा, पूरे वैभव के साथ होगा। इसलिए हम लोग आचार्य अनुवर्ती बने, आचार्यों के पीछे चलने वाले। और आचार्यों के पीछे चलने का अभिप्राय सिर्फ एक न लें कि किसी महाराज आचार्य के पीछे, नहीं, इसका अर्थ एक ये भी लेना चाहिए कि श्रेष्ठ आचरण के पीछे चले, श्रेष्ठ आचरण के पीछे चले। किसी का अनुगमन करें तो उसके श्रेष्ठ आचरण को देखकर करें, उसकी सकल सूरत को देख करके नहीं। माफ करिएगा, आज के समय में बहुत से लोग सकल सूरत को देख के अनुवर्ती हो जाते, उनके ईंट पत्थरों के वैभव को देखकर अनुवर्ती हो जाते, उनकी पब्लिसिटी, उनकी शिष्य सारणी को देखकर अनुवर्ती हो जाते हैं। यहां फिर आगे चल के धोखा खाते, फिर दूसरों को जाके पूछते हैं, मारता एड़ा निकल गया महाराज, कई करा मारता एड़ा महाराज एड़ा निकल कई। इसलिए मेरे भाई बहन, आचरण को देखकर अनुवर्ती बनना। आचरण देखो पहले आप, उसमें आपको संतुष्टि हो फिर आगे चलिए, नहीं तो फिर तकलीफ होती है मेरे भाई बहन। एकादशी के दिन यहाँ पर भगवान खुद आते हैं, यहाँ पर विद्यमान रहते हैं, आनंद उत्सव होता है हरिवासर पर। आहा, यहाँ पर निर्मल जल परिलक्षित होता है, नर नारायण भगवान का ये आश्रम है। कृपानाथ इसके बाद यहाँ पर जो पवित्र नारायण भगवान का तीर्थ है, उन भगवान नारायण के निवास वाले शिखर पर पवित्र उर्वशी नाम का तीर्थ भी यहाँ पर है। वैसे तो उर्वशी एक अप्सरा का नाम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके नाम का तीर्थ है। वह तीर्थ कैसे प्रकट हुआ? भगवान नर नारायण यहां पर तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र ने भगवान नर नारायण के तप का नाश करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव यहां पर आए, यहां पर आकर के वो लोग योजना बनाने लगे कि इनकी तपस्या को भंग कैसे किया जाए,
और भगवान ने कहा कि ये भांगा तोड़ा पचे कर जो, आए हो तो आओ खाओ पियो आनंद करो। तो उसी में उन्होंने भगवान नारायण ने उनको फल फूल के साथ उर्वशी नाम की अप्सरा भी प्रदान करी, और वो सब देख करके भगवान वहां से अंतरित हो गए। तब कामदेव घबरा करके इंद्र के पास गया और जाकर इंद्र के पास जाके कहा कि वो जो थे वो तो बड़े प्रभावी थे, उन्होंने तो हम उनके आगे क्या काम का असर दिखाते, मेरे जैसे कई काम हार जाएं, ऐसी दिव्य उर्वशी और ये सब उन्होंने हमको दिया। इंद्र ने भी उर्वशी को देखा तो वो भी सब कुछ भूल गया, ओहो हो कृपानाथ। इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये मैंने गलत किया, भगवान के उपासना को खंडित करने की चेष्टा करी, तो उर्वशी का यहाँ पर जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, इसलिए इस तीर्थ को उर्वशी भी कहते हैं और यहाँ पर उर्वशी कुंड विराजमान है। कृपानाथ भगवान नारायण इस कुंड के निकट स्थित ही तप करते हैं और यह बड़ा सुंदर कुंड है। अब यद्यपि उर्वशी स्वर्ग की एक अप्सरा है लेकिन भगवान ने उसको प्रकट यहाँ पर किया है, तो उस कुंड की ऐसी महिमा है कि जो इसमें स्नान करते हैं उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। और सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि उर्वशी कुंड के आसपास जो वायु बहती है उस वायु में भगवान के चरण कमलों का मकरंद का सुगंध आता है। ये यहाँ पर है, भगवान के पाद पद्म की दिव्य गंध यहाँ पर हवा में बहती रहती है। और मेरे भाई बहन जिसको वह गंध भी आ गई तो उसके सारे पाप कर्म चूर चूर हो जाते हैं, वो व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। बस भाई बात कितनी है, शंकर भगवान कहते हैं कि यहाँ आके बाहर की चीजों को भूल के और भगवान के चरणों में मन लगाए तब जा करके ये धाम ये तीर्थ जो है जीव का कल्याण करता है। जो यहाँ पर इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं उनका तो कहना ही क्या, यहाँ पर साधक भाव से ईमानदारी से भजन करने वाले जो हैं वो तो यहाँ रहते रहते खुद चतुर्भुज हो जाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं भगवान के लोक में रहने का अधिकार उनको प्राप्त होता है। कृपानाथ हम लोगों को भी इस बद्रीनाथ धाम में रहते हुए ये सब लाभ मिले, ये सब आनंद मिले, ये सब अनुभूतियाँ मिले। इतनी ही चर्चा आज के कथा सत्र में करने का विचार है, बाकी की कथा कल के दिन आप लोगों को सुनाने का भाव है। आइए थोड़ी देर भगवान के नाम का आश्रय करें। मीरा जी का एक पद सुनिए। अरे थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ मैं हाजिर दासी कद की खड़ी, थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ मैं हाजिर दासी कद की खड़ी, थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ मैं हाजिर दासी कब की खड़ी, थे तो गाओ भाई पलक उघाड़ो दीनानाथ मैं हाजिर दासी कद की खड़ी। अरे सासरियो दुश्मन होए बैठो सबने लागू कड़ी,
अरे सासरियो दुश्मन होए बैठो सबने लागू कड़ी राम जी सबने लागू कड़ी अरे तुम बिन साजन कोई नहीं है तुम बिन साजन कोई नहीं मारी नाव समंद में अड़ी मैं हाजिर दासी कब की कड़ी इथे तो पलक उगाड़ो दीनानाथ मैं हाजिर दासी कब की कड़ी दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा सुकूं खड़ी खड़ी राम जी सुकूं खड़ी खड़ी अरे दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा सुकूं खड़ी खड़ी राम जी सुकूं खड़ी खड़ी अरे बाण बिरे का लग्यो ही ये में बाण बिरे का लग्यो ही भूलो ना एक घड़ी मैं हाजिर दासी अब की खड़ी दे तो पलक उगाड़ो दीना नाथ मैं हाजिर के बीच पड़ी राम जी वन के बीच पड़ी अरे पत्थर की तो अहिल्या तारी वन के बीच पड़ी राम जी वन के बीच पड़ी कहा बोझ मीरा में कहिए कहा बोझ मीरा में कहिए सौ पर एक घड़ी मैं हाजिर दासी कद की घड़ी उठे तो पलक उगाड़ो दीना नाथ मैं हाजिर दासी कद की घड़ी उठे तो पलक उगाड़ो Three, nine.
नारायण जय बजे नारायण जय बजे नारायण जय बजे जय बद्री नारायण जय बद्री नारायण जय बद्री नारायण जय बद्री नारायण श्री बद्री विशाल भगवान की जय। एक विचार था कि यहाँ पर प्रश्नोत्तरी का भी एक कार्यक्रम होना चाहिए, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो किसी भी प्रकार की, तो वो पूछ सकें। तो आप लोग बताइए वो किस समय रखा जा सकता है या उसको कथा के साथ ही किया जाए है? अच्छा, इनका कहना है कथा नहीं, अलग से जब भजन कीर्तन करें जब। क्यों सब ठीक है? ये बात ठीक है, ठीक है। गोपाल कृष्ण भगवान, भोजन का समय हो जाता है रात्रि में, सब लोग बराबर उतने बजे तक नहीं आ पाते हैं। मध्याह्न में आप चाहें तो 4 बजे से 5 बजे से ऐसा रखा जा सकता है, अगर आप लोगों की सहूलत। महाराज जी का सुझाव है, भजन तो कल रखेंगे 4 बजे से, जिसको कहीं जाना। कल शनिवार है क्या? तो कल सुंदरकांड करेंगे, फिर परसों करेंगे, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी सवाल हो तो पत्र ध्यान में ले लीजिएगा, चाहे लिख के दे दीजिएगा, तो कल कथा के साथ ही करना वो ठीक रहेगा। तो किसी के मन में हो कोई जिज्ञासा कुछ हो तो पूछ सकते हैं। तो बस ठीक है, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आई आरती शीत कमला कुछ Oh,
झुकी रही नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लिए तन पुलकित रज रज में लोटत गोविंद गुण में नहीं रसिक प्रीतम हित चित की बात श्रीदारी जिस कहीं तरे गोवर्धन झुकी रही भरोसो दृढ़ न चरण न घेरो श्री वल्लभ नग चंद्र छटा बिन सब जग माय अधेरो साधन नहीं अग्नि में जास हो मेरो सूर कहा कहे विविध यादो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरण घेरो राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण श्याम श्याम राधे श्री गिरिराज धरण की जय गौ माता की जय श्री पत्नी विशाल भगवान की जय Shama Shama